दोस्तों भारतीय सिनेमा में हर फिल्मों में कई तरह के किरदारों को जरूरी माना जाता है और ये किरदार ही हैं जिन्हें निभाकर सैकड़ों अभिनेताओं ने अपने करियर को सवारा और स्टार बन गए। बॉलीवुड फिल्मों में वर्षों से सपोर्टिंग रोल या सेकंड लीड का किरदार भी बहुत जरूरी रहा है। बात करें पुराने दौर की फिल्मों के बारे में तो ऐसे किरदार निभाने वाले अभिनेताओं को कुछ फिल्मों में मुख्य अभिनेताओं से भी अधिक तरजीह दी जाती थी। 90s के दौर में एक ऐसे अभिनेता ने बॉलीवुड में कदम रखा था जो आगे चलकर हीरो के दोस्त के रोल के लिए सबसे पहली पसंद बन गए। ऐसा अभिनेता जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि उन्होंने एक्टिंग में जो कुछ भी सीखा वो इसी तरह के किरदारों को निभाने के लिए ही सीखा था। उनका नाम है दीपक तिजोरी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। एक दौर में पॉपुलैरिटी के मामले में अक्षय कुमार और शाहरुख खान को भी टक्कर देने वाले अभिनेता दीपक तिजोरी का जन्म 28 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। दीपक तिजोरी की माँ एक डांसर और रेडियो आर्टिस्ट थी। उनका यह सपना था कि उनके परिवार का कम से कम एक सदस्य सिनेमा के क्षेत्र में काम करे। दीपक तिजोरी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने की पहली प्रेरणा अपनी माँ के इसी सपने को मानते हैं। एक सिंधी परिवार में जन्मे दीपक तिजोरी के परदादा के लिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत की पहली आधुनिक तिजोरी का निर्माण किया था, जिसके चलते उन्हें देश भर में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और यही कारण है कि तिजोरी शब्द उनके नाम के साथ जुड़ गया और यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। दीपक तिजोरी ने मुंबई की एमएन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, जहां दिग्गज अभिनेता परेश रावल उनके सीनियर थे और आमिर खान उनके जूनियर। भारतीय सिनेमा में काम करने का ख्वाब देख रहे इन सभी दोस्तों के बीच दीपक तिजोरी कॉलेज में कई ड्रामा कंपटीशन में भाग लेते थे। यहां से मिलने वाली वाहवाहियों और तालियों ने दीपक के दिल में पल रहे अभिनेता बनने के सपने को हवा देने का काम किया और उन्होंने भारतीय सिनेमा की तरफ कदम बढ़ा दिए। दीपक तिजोरी ने खुद को एक अभिनेता के तौर पर तैयार करने के लिए अमेच्योर थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जहां उनके साथ उनके दोस्त परेश रावल, आमिर खान और विपुल शाह भी थे। यहाँ से निकलकर दीपक तिजोरी ने कुछ टीवी सीरियल में काम करने से लेकर कुछ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करने का काम भी किया। दीपक तिजोरी ने अपने पिताजी के कहने पर ही एक्टिंग के क्षेत्र में जाने से पहले कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और उस दौरान उसने ब्लिट्ज मैगजीन और मुंबई के सिरोक होटल में भी काम किया, ताकि एक्टिंग में बात न बनने पर दूसरा काम करने के लिए उनके पास अनुभव हो। लगभग 3 सालों तक छोटे मोटे काम करने के बाद और कई प्रोड्यूसर्स के यहाँ धक्का खाने के बाद दीपक तिजोरी को रमेश तलवार की फिल्म तेरा नाम मेरा नाम में सपोर्टिंग रोल मिल गया। यहाँ से चला दीपक का कारवां आगे एक दशक तक बदस्तूर जारी रहा, जिसमें मील का पत्थर साबित हुई फिल्म आशिकी। महेश भट्ट ने अपनी इस फिल्म के लिए पहले दीपक तिजोरी को लीड रोल ऑफर किया था, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले महेश भट्ट की मुलाकात राहुल रॉय की माँ से हुई, जहाँ राहुल रॉय को देखकर महेश भट्ट ने अपनी फिल्म का हीरो चुन लिया। दीपक तिजोरी को जब यह बात पता चली तो उन्हें दुख हुआ, लेकिन वो फिल्म से जुड़े रहे। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया हीरो के दोस्त का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि उस समय के सिनेमा प्रेमी लोग उस किरदार की नकल करने लगे थे। दीपक तिजोरी को अब बॉलीवुड इंडस्ट्री पहचानने लगी थी और एक सहायक अभिनेता के रूप में उनकी एक छवि ने मूर्त रूप ले लिया था। फिल्म आशिकी से एक आउटसाइडर के तौर पर बॉलीवुड में आए दीपक तिजोरी को महेश भट्ट के रूप में एक मार्गदर्शक भी मिल गया था, जिन्होंने आगे दीपक को अपनी फिल्म दिल है कि मानता नहीं और सड़क में भी काम दिया। दिल है कि मानता नहीं की शूटिंग के दौरान दीपक तिजोरी ने जो जीता वही सिकंदर के लिए भी ऑडिशन दिया। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन इस फिल्म में सेकंड लीड रोल मिलिंद सोमन को मिल गया था। कुछ समय बाद किन्हीं कारणों के चलते मिलिंद ने 75% शूट हो चुकी इस फिल्म को छोड़ दिया, जिसके चलते कास्टिंग का काम फिर से शुरू हुआ। इस बार महेश भट्ट के कहने पर दीपक तिजोरी ने फिर से इस फिल्म का ऑडिशन दिया और इस बार उन्हें अपने करियर का सबसे यादगार किरदार मिल गया। दीपक तिजोरी अपनी हर फिल्म के बाद खुद को एक मजे हुए अभिनेता के तौर पर सामने ला रहे थे, जिससे वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी हो गए थे। दूसरी तरफ इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे अक्षय कुमार के साथ अब्बास मस्तान की जोड़ी एक फिल्म पर काम कर रही थी। कहानी और लीड रोल की कास्टिंग के बाद डायरेक्टर जोड़ी को इस फिल्म के लिए स्टार पावर की भी जरूरत थी। इस जरूरत के लिए फिल्म में दीपक तिजोरी को कास्ट किया गया, जो उस समय बड़ी फिल्मों में काम करने के चलते किसी फिल्म को हिट कराने की गारंटी बन गए थे। दीपक तिजोरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर किसी की तरह हीरो बनने ही आए थे और उनकी शिक्षा को दीपक के दोस्त आशुतोष गोवारिकर ने अपनी फिल्म पहला नशा में पूरा किया, जिसमें इनके साथ रवीना टंडन और पूजा भट्ट ने भी काम किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान और आमिर खान भी नजर आए थे, लेकिन दर्शकों ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया, जिसके चलते दीपक तिजोरी का हीरो बनने का सपना इसी फिल्म के साथ
ही खत्म हो गया। लीड रोल भले ही नहीं मिल रहे थे, लेकिन सपोर्टिंग रोल के जरिए दीपक का करियर अब भी चल रहा था, जिसमें उन्होंने कभी हाँ कभी ना, बादशाह और गुलाम जैसी फिल्मों में काम किया था। लेकिन समय के साथ साथ दीपक तिजोरी एक ही तरह के काम करने से तंग आ गए थे और डायरेक्टर बनने का निर्णय ले लिया। अपनी दूसरी पारी की शुरुआत दीपक ने उप्स नाम के फिल्म से की, जिसे अपने कंटेंट की वजह से सेंसर बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं मिली। और कुछ समय बाद ऐसा हुआ तो दर्शकों ने इस फिल्म को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन यह फिल्म अभिनेत्री मिंक बरार के करियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। इसके बाद दीपक तिजोरी ने फरेब, खामोशी, टॉम डिक एंड हैरी जैसी कॉन्ट्रोवर्सियल और असफल फिल्मों का निर्देशन किया। दीपक तिजोरी ने कुछ टीवी सीरियल्स भी प्रोड्यूस किए हैं, जिनमें रिश्ते, सैटरडे सस्पेंस और एक्स जोन का नाम शामिल है। इसके अलावा दीपक बिग बॉस के एक सीजन में सलिल अंकोला की जगह शामिल हुए थे, जहां कुछ समय बिताने के बाद जब वे बाहर आए तो इस शो को लेकर कई बातें सामने रखी, जिनमें साफ नजर आ रहा था कि उन्हें यह शो पसंद नहीं आया है। दीपक तिजोरी की एक मिनी टीवी थ्रिलर एट 10 फरेब ने इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा दीपक मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2006 के जज भी रह चुके हैं। लेकिन लगातार मिल रही कमर्शियल असफलताओं के चलते इन्हें लोगों द्वारा खाली तिजोरी और दीपक तले अंधेरा जैसे नाम दिए गए, और ऐसे खराब समय में इनकी पत्नी शिवानी ने इनको साल 2017 में घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इन्हें शक था कि दीपक का अफेयर चल रहा है। इस दौरान दीपक तिजोरी को कुछ समय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर भी रहना पड़ा था। इसके बाद जब तलाक की बात आई तो दीपक तिजोरी को पता चला कि उनकी पत्नी ने अपने पहले पति से तलाक लिए बिना ही उनसे शादी की थी, और इसलिए उनकी शादी कभी लीगल ही नहीं थी। फिलहाल दीपक तिजोरी अपनी बेटी समारा तिजोरी के साथ रहते हैं, जो बहुत जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली हैं। साथ ही अपनी आखिरी डायरेक्शन दो लफ्जों की कहानी के बाद दीपक तिजोरी साल 2019 में आई Z5 की वेब सीरीज अभय के पहले एपिसोड में चंदेर सिंह नाम के किरदार में नजर आए थे। इस रोल के लिए दीपक को ऑडियंस की तरफ से मिले रिएक्शन के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि एक कलाकार बहुत जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आ सकता है, जिसका इंतजार इनके चाहने वाले बेसब्री से कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने हमारे नए चैनल नारदवाणी को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो प्लीज उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी यूट्यूब चैनल को।